सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को लेकर, या फिर इंडिगो आप लोग जिसे बोलोगे, वो ये कंपनी है जहां पर आप लोग देखोगे आज हमें जो अभी बिग फॉल दिखाई दी है। अभी भी जो ये स्टॉक है वो 6.5% टूटा हुआ है और आज जो इसमें गिरावट बनी थी वो 12% तक बन गई थी भाई। 12% तक जो शेयर वो क्रैश हुआ था। इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है वो आपको बताएंगे। तो आप लोग देखोगे भी कंपनी ने पीछे अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए थे, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग के बाद आए थे ना रिजल्ट्स, तो वही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक में ये बड़ी गिरावट बनी है भाई। तो क्यों, यहाँ पर आप लोग देखोगे आज जो स्टॉक है वो कहाँ तक आया नीचे में, 3780 रुपये तक आया नीचे में। 12% के ऊपर में गिरावट शेयर में बनी और प्रीवियस जो इसका क्लोजिंग था वहाँ से आप लोग देखोगे कितनी बड़ी गिरावट में शेयर आया भाई। तो क्या यहाँ से अभी स्टॉक और गिर सकते हैं या फिर यहाँ से स्टॉक में हमें जो भी मूव अच्छे आते हुए नजर आ सकते हैं। उधर मार्केट में आप लोग देखोगे एक जबरदस्त एक्शन बना, तो इस स्टॉक नीचे में 12-13% जो टूटा हुआ था ना, अभी नीचे से 6-7% रिकवरी ले गया, बहुत अच्छी बात है ना। तो इसके चलते आप लोग देखोगे भी गिरावट के पीछे का रीजन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए थे सेप्टेम्बर क्वार्टर के, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सेप्टेम्बर क्वार्टर से प्रीवियस क्वार्टर जून क्वार्टर से जो इसका रिवेन्यू है वो हमें टूटते हुए नजर आया, ठीक है, 20,248 करोड़ से 17,769 करोड़ पर रहा। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो इसका रिवेन्यू था 15,502 करोड़, वहाँ से रिवेन्यू में जंप है। बट इसके अलावा आप लोग देखो कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना रहा, अभी अब की बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है 1631 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था अभी लगभग 5,159 करोड़, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,200 करोड़ था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में Q2 बड़ी डिक्लाइन एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डिक्लाइन आते हुए नजर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे प्रीवियस में 26% से सीधा अब 9-9.5% पर आ गया है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग ये 14.72% था और वहाँ से आप लोग देखो 9.5% पर आ गया, ठीक है। तो बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला इस वजह से। इसके अलावा आप लोग देखो नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 2,728 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को, लेकिन अब के बाद सीधा लॉस में गई, ये 986 करोड़ पर आया लॉस। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे कंपनी को 188 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से भी आप लोग देखोगे कंपनी सीधा लॉस में गई है, तो 600% माइनस में ये जो अभी इसका रहा है। तो अब की बार आप लोग देखोगे ये सबसे बड़े रीजन रहे हैं। तो मार्केट एस्टीमेट भी आप लोग देखोगे मिस हुआ भी। तो इसके अलावा आप लोग देखोगे कैसा रहा डाटा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग इसे एक बार डिटेल में पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके भी, कितने परसेंटेज कितनी ग्रोथ या फिर कितना गिरावट हमें देखने को मिली इसके चलते, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो भी, ये देखोगे 600% से ईयर टू ईयर इसका नेट प्रॉफिट टूटा है, 36% Q2 इसका प्रॉफिट टूटा है। तो स्टॉक में गिरावट आए ना, तो और ना वो क्या करे भाई, ठीक है। तो ये टोटल रीजन रहे हैं भाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रिवेन्यू सिर्फ पॉजिटिव रहे हैं और बाकी सब कुछ नेगेटिव है। मार्केट एस्टीमेट था उसको इसने मिस किया है भाई, तो ये कारण रहे हैं स्टॉक में इसी गिरावट के पीछे। चलिए अब चार्ट देख लेते भाई, क्या ये गिरावट मौका बन सकती है आगे या फिर अभी स्टॉक में और दबाव बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी स्टॉक में काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी रैली बनी हुई थी, बट आज जो गिरावट हुई रिजल्ट्स की वजह से, बट अभी के टाइम आप लोग देखोगे इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर में 4,150 का भाव बनेगा भाई, इसके ऊपर में इसका डटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऊपर में रहता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसके नीचे में सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 3856 का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। या फिर आप लोग देखोगे 4,000 के आसपास का जो भाव है, ये जो इसका 200 मूविंग एवरेजेज है, इसको भी आप लोग सपोर्ट के तौर पर पकड़ के चल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भी आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो इसके अंदर, और लॉन्ग टर्म विजन से आपने पैसा लगाया तो वो एक अलग बात है भाई, लेकिन अभी के टाइम तो स्टॉक के ऊपर दबाव है। अगर मार्केट में तेजी न बनी होती तो स्टॉक में आपको दिखा देगा 12-13-15% तक क्रैश होते हुए, ठीक है। तो मार्केट में जो रिकवरी आई ना उस वजह से स्टॉक में भी हमें काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।